चुपचाप रहना तुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, हिरनी वाटरफॉल में आपका स्वागत है। तो मेरे इस न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग पहले वाला वीडियो देखे होंगे, मैं आया था हिरनी वाटरफॉल, आप लोगों को दिखाया था। और अभी मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, शर्ट खोल दिए, थोड़ा गर्मा गया ना यार, तो शर्ट खोल दिए, गमछा टंगाए हैं, तो सॉरी ऐसे देख रहा हूँ। मुझे तो नीचे ठीक है, जींस पहने, जुताई पहने। ओके सर, आगे बढ़िए। अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, देख सकते हो, ये इसको पेटिस बोला जाता है, और ये स्प्राइट है, और आधा पी के खत्म कर दिया, थोड़ा सा बचा हुआ है पूरा। और एक छोटा स्प्राइट भी है, देख सकते हो। तो चलो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छा से दिखाएंगे, ठीक है? तो देखते रहो, बने रहो इस ब्लॉग में। तो देख सकते हो ऊपर से कुछ इस टाइप का दिखता है हिरनी का वाटरफॉल। अभी नीचे जाएंगे और नीचे से भी आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों देख सकते हो पीछे में एक छपरी है, जो कि आप लोग देख सकते हो, और पेड़ में मैं को चिपका दिया है। और जैसे कि यहाँ देख सकते हो, ये पेड़ में कुछ लिखा हुआ है यार, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, कुसुम बारू, समझ रहे हो? तो मैं दिखा रहा था आप लोगों को छपरी, ठीक है? छपरी देख सकते हो पीछे में, आप लोग छपरी, इसको मैं अपना भाषा में छपरी बोलता हूँ, लेकिन इसको बैठने का जगह बोला जाता है। कितना अच्छा है, मतलब कि इस डैम नहीं यार, इसको वाटरफॉल बोला जाता है। तो वाटरफॉल आओगे घूमने के लिए तो बहुत अच्छा जगह है। ये सबसे ऊपर का जगह है, अभी मैं सबसे ऊपर में आया हूँ, और ऊपर का नज़ारा कुछ इस टाइप का है, और कुछ कुछ लिखा भी हुआ है। तो ये बात सबको ध्यान में रखते हुए आइएगा, तो ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा। यहाँ देख सकते हो, असुरक्षित स्थलों पर सेल्फी ना लें, दुर्घटना हो सकती है। तो देख रहे हो, जहाँ तहाँ सेल्फी वीडियो नहीं बनाना है, वो भी इस समय लिखा गया है। तो नियम है यहाँ का भी, कुछ कुछ नियम है, और बहुत सारा नियम है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ऐसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अगर दिख रहा है वीडियो में तो अच्छी बात है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है? पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ टावर असुरक्षित है, यहाँ ना चढ़ें, दुर्घटना हो सकती है, धन्यवाद। समझ रहे हो, यहाँ चढ़ना भी मना है। यहाँ देख सकते हो चढ़ने के लिए सीढ़ी तो है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या झाड़ी सबको लगा दिया है, फिर भी कोई कोई चढ़ता होगा, लेकिन मैं तो चढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं देख लिया यहाँ चढ़ना मना किया गया है। तो देखो सबसे ऊपर का जगह कुछ इस टाइप का है, और उधर भी रास्ता है, इधर रास्ता है, इधर इधर रास्ता है, लेकिन मैं उधर नहीं गया, तो अलग बात है, मुझे जाने मन नहीं किया। अभी शाम हो रहा है तो मुझे घर भी जाना है, तो देर हो गया, उधर नहीं गए। तो अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, और नीचे उतरने का सीढ़ी भी थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखो सीढ़ी कुछ इस टाइप का है, सीढ़ी नॉर्मल सीढ़ी है, जैसे कि सीढ़ी बनाया जाता है उतरने चढ़ने के लिए, ऐसे ही सीढ़ी बनाया गया है, लेकिन सीढ़ी में टाइल्स है दोस्तों। चलो मैं आप लोगों को अच्छा से दिखाता हूँ, ठीक है? तो देख रहे हो सीढ़ी बहुत अच्छा बनाया गया है, पूरा टाइल्स वाला सीढ़ी लगाया है, पूरा मतलब ढलाई वाला सीढ़ी नहीं है, टाइल्स लगाया है, देख रहे हो टाइल्स, पूरा मस्त सीढ़ी बनाया है, पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा टाइल्स लगा दिया, सीढ़ी जैसे क्या, सीढ़ी ही है। तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और नीचे तरफ भी सीढ़ी ही है, आप लोगों को हम दिखाते हैं आप लोगों को, तो देखते रहो, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। और सच बताऊं यार, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ ना, तो अनजादी में अनधुनिया नहीं बोल सकता कि इधर ये है वो है, मैं पहले देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि इस समय ना क्या क्या नाम उन सब लिख दिया गया है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, और उधर का नाम सब लिखा हुआ है, अब लिख दिया है कौन कौन आदमी सब आया था शायद ये सब में। तो अभी हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, तो चलो नीचे उतर के आप लोगों को दिखाते हैं वाटरफॉल का नज़ारा, बोले तो जल प्रपात। तो जैसे कि मैं आप लोगों को ऊपर में भी दिखाया है कोई छपरी टाइप का बैठने वाला, तो आप लोग ने कमेंट करके बताइएगा ऐसे बैठने वाला जगह सबको क्या बोला जाता है, और मैं तो ऐसे वाला सबको छपरी बोलता हूँ, छपरी बैठने वाला छपरी हम ऐसे ही बोलते हैं, तो हम अपना भाषा बोल देते हैं। तो यार आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं, तुम कुछ भी बोल देता अगर ऐसे समझते हो तो तुम ही लोग कमेंट करके बता देना, मतलब कि आप लोग ही कमेंट करके बता दीजिएगा। और देख सकते हो वाटरफॉल कुछ इस टाइप का दिखता है गाइस, हिरनी वाटरफॉल, ऐसा लग रही हिरनी वाटरफॉल, यहाँ पर दिखाए तो अच्छा, अरे यार हर भरा जाते हैं हम भी। तो देखो गाइस हिरनी वाटरफॉल कुछ इस टाइप का दिख रहा है यहाँ से, आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहा है, तो नहीं तो मैं अच्छा तो दिखा दूंगा, इतना टेंशन मत लो। देखो हिरनी वाटरफॉल कुछ इस टाइप का दिखता है, इसी को कहते हैं हिरनी वाटरफॉल। और यहाँ देख सकते हो यहाँ ये देखो गेट, कुछ इस टाइप का गेट बनाया गया है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रुचिता का लिखा हुआ, देखो यार दिख रहा है तो पढ़ लो, हमको समझ में नहीं आया। और ये देखो गाइस, ये सब आप लोग देख रहे हो ना, तो आप लोगों को तो देखने में ऐसा लग रहा होगा ना लकड़ी का है, लेकिन लकड़ी का नहीं है, सीमेंट का है,
ऐसे सिस्टम से डिजाइन बनाया गया है और अच्छा है, बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मेरा दोस्त सब गिधर गया यार, हमको अकेले छोड़ दिया। ए प्रभात किधर गया? अरे यार और एगो मेरा दोस्त कहाँ चल गया पता नहीं। हेलो दो जन है और एक जन दोस्त, अरे वो पूरा नीचे चल गया है, वो हम लोग का से पहले चल गया है। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को हिरनी वाटरफॉल का नज़ारा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो तो इधर देख सकते हो कुछ इस टाइप का दिखता है, कितना मस्त दिख रहा है। वाओ हिरनी वाटरफॉल फेमस जगह यार। और ये हिरनी वाटरफॉल झारखंड में है, झारखंड चकलधरपुर, बोले तो सिकेपी में ये हिरनी वाटरफॉल है। तो देखो कुछ इस टाइप का, ओहो भाई साहब देख के मज़ा आ जा रहा है। कितना छपरी हुआ, एक ऊपर में एक गो था, बीच में एक गो था, दो हुआ, फिर यहाँ एक गो तीन हुआ, तीन गो छपरी है देख सकते हो बैठने का छपरी। और क्या है, नीचे एक गो पुलिया है, चलो दिखाते हैं वो पुलिया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाई टू हेल। वाओ इसका मतलब क्या होता है, वाई टू हेल। और यार कुछ कुछ लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जल प्रपात तक जाने का मार्ग, यदि इधर इधर जाने का मार्ग है, जल प्रपात तक जाने का। हम लोग गए थे वापस आ भी गए। और अरे यार यहाँ का यहाँ फ़ोटो खिंचाएंगे आज, ये तो फेमस है ना हिरनी, इसी फ़ोटो को तो देखते थे हम पहले, किसी किसी का फ़ोटो सब को देखते थे। हिरनी हैज हिरनी फॉल्स बोलता है, हम फॉल्स बोल देते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का लिखा हुआ, क्या क्या लिखा हुआ मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहले तो झारखंड लिखा हुआ है, नेचुरल इंडियन हिडन जेवल, और हैज हिरनी, पूरा मस्त यार दिल बना दिया है रे गाइस, कितना मस्त दिख रहा है हिरनी फॉल्स। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ देख सकते हो, झारखंड टूरिस्ट एंड, अरे यार इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। और यहाँ पर पढ़ लेना हम पढ़ने, फिर पढ़ने में जो तो बोल देंगे मिस्टेक कर देंगे, फिर बोलोगे पढ़ने जानते हो कि नहीं, बोलोगे हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो चलो भैया हम मेरा फ़ोटो खींचिए, तो एक भैया मेरा फ़ोटो खींचिए। अरे यार इसको ये भैया को फ़ोटो खींचने बताना पड़ेगा। तो आप लोग भी जानो फ़ोटो खींचने के लिए, सिंपल तो आप ऑन कर देते हैं कैमरा, इसके बाद यदि इसको क्लिक कीजिएगा, यदि इसको ये जो दिख रहा है ना लाल लाल, इसको एक बार क्लिक कीजिएगा तो डिस्प्ले में दिखेगा, तो आप आराम से फ़ोटो किसी का भी खींच सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा तो मेरा दोस्त मेरा फ़ोटो खींच देगा। तो अभी मेरा दोस्त लोग उधर फ़ोटो खिंचा रहा है, तो मैं आप लोगों को और भी कुछ कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी वो बड़ा सा छपरी है जहाँ की बैठने का सुविधा है, देख सकते हो कितना अच्छा टाइल्स लगा दिया है, बहुत अच्छा जगह है देख सकते हो गाइस। यहाँ पर मस्त है, लेकिन आप फैमिली वाले भी आ सकते हैं, फैमिली परिवार के लोग भी आ सकते हैं सभी लोग, और यहाँ पर मस्त बैठ के बातचीत कर सकते हो, कितना अच्छा जगह है और नेचुरल जगह है बोले तो। और ये क्या फल है, ये फल क्या फल है यार, ये क्या फल है, ये कुछ फल है, अब तोड़ना मना होगा शायद, तो मैं तोड़ूंगा नहीं, नहीं तो फिर हमको गाली दे देगा, फिर दिक्कत वाली बात है, तो मैं तोड़ कर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को वीडियो में दिखा दे रहा हूँ ये क्या फल है। इस फल का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ का भी जगह दिखा दिए, और भी ऐसे तो पेड़ पौधा सबको दिखाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा जगह सबको दिखा दे रहा हूँ, जो जगह सबको दिखाना चाहिए वो सब दिखा दे रहा हूँ। और ये देख सकते हो हम लोग का सुपरस्टार हीरो जी, दो सब कुछ बोलना चाहेंगे, नमस्ते यार कुछ नहीं बोलना, नमस्ते ये सब कुछ समझते तो तो चलो यार। और एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ जो फूल पौधा सब जो रोपा है ना, और जो फूल पौधा सब हो रहता है, फूल का मतलब पौधा का पौधा में जो फूल रहता है वो फूल सबको तोड़ना मना है। और एक जगह लिखा भी हुआ था लेकिन वो नहीं दिखा रहे हैं, वो अलग बात है। यहाँ देख सकते हो ये पत्ता सबको तोड़ना मना है, तो पत्ता हो या फूल हो या फल हो, यहाँ जितना भी कुछ है वो सबको तोड़ना छेड़छाड़ करना मना है। और यहाँ देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ का उल्लंघन ना करें आप लोग। यहाँ पर देखो मैं पढ़ कर बता देता हूँ, झारखंड सरकार सूचना, पर्यटन स्थल पर शराब पीना वर्जित है, पकड़े जाने पर होगी जुर्माना, दो डीजे बाजा बजाने पर होगी कार्रवाई, समय 8 बजे से 4 बजे तक आवेशानुसार प्रशासन। तो देख सकते हो पीछे का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है, वाह देख के सुकून मिल रहा है यार। और अभी का मौसम तो इतना अच्छा है ना, क्या कि अभी ज़्यादा शाम नहीं हुआ है, लेकिन देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि शाम हो गया जैसे, लेकिन अभी कितना टाइम हो रहा है,
ये देखो 4:21 हो रहा है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 4:21 हुआ है। तो अभी मैं एक पुलिया दिखाऊंगा बोल रहा था, तो चलो मैं आप लोगों को छोटा पुलिया दिखाता हूँ। मेरा दोस्त लोग तो फोटो खींचा रहा है, तो मैं अकेला ही जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फिर चलो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। अच्छा देखते रहो, इधर देख सकते हो कितना मस्त करिया करिया पत्थर दिख रहा है और बहता हुआ पानी देख सकते हो। और यहाँ पर क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी देख लो। पर्यटन स्थल का साफ सुथरा रखने में आपका सहयोग अपेक्षित है। पॉलीथीन वर्जित क्षेत्र, तो देख सकते हो कितना मस्त नज़ारा है। और एक बात बोलें, ज़्यादा भीड़ भूड़ नहीं है यार। हमको लग रहा था ना, जब मैं आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा भीड़ रहेगा वहाँ, वैसा सोच रहे थे कि ज़्यादा भीड़ नहीं है। सभी धर्म के लोगों का सम्मान कर रहे हैं, वाह 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 वाह, ये अच्छा चीज़ है। देख रहे हो सभी धर्म के लोगों का सम्मान कर रहे हैं, यहाँ कोई सभी जात प्रजाति के लोग आ जाओ, सबसे हेल मेल रहो, किसी से झगड़ा झाटी ना करना, नहीं तो ऐसे होता है, छोड़ो यार समाज सेवा वाला बात क्या ही करना। मैं आप लोगों को छोटा पुलिया दिखाऊंगा बोल रहा था ना, दिखाऊंगा आप लोगों को। उससे पहले कुछ कुछ लिखा हुआ वो सबको भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ, पढ़ लेना यार। और इधर देख सकते हो कचरा फेंकने का भी सुविधा बनाया गया है, जो खाना प्लास्टिक पोलोथीन बोतल सब का फेंकने का उधर रखा हुआ है, रखाव का गोल बनाया हुआ है। और नीचे तरफ देखो छपरी है बैठने वाला, देख सकते हो। और यहाँ देख सकते हो बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो। और यहाँ पर सरना पूजा स्थल, यहाँ सिंह बोंगा किर बोंगा, और क्या क्या लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो, पढ़ लेना ठीक है। क्या कहाँ तक पढ़े थे हम, इकिर बोंगा उटुल सिंह बोंगा, यहाँ स्थल देवी देवताओं का है। अच्छा अच्छा यहाँ पर पूजा पाठ भी किया जाता है, अरे बाप रे बाप, पूजा पाठ भी करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है स्वच्छ भारत स्वच्छ हिरणी जल प्रपात ग्राम सभा डोम्बारी खुट खुटी JTDC रांची। और यहाँ से देखो जलप्रपात का नज़ारा, बोले तो बहता हुआ पानी को देख के आप खुश हो जाओ, कितना मस्त दिख रहा है। जूम करके भी दिखा देते हैं, लहरता हुआ बहता हुआ नहीं है, गिरता हुआ झरना का पानी, इसको हम लोग का भाषा में झरना भी बोलते हैं, लेकिन इस जगह का नाम है हिरनी वाटरफॉल, तो आप लोग इसी नाम से जाने इसको। मैं भला इस जगह का न्यू नाम क्यों रखूँ, जो नाम है वही नाम अच्छा है, हिरनी वाटरफॉल। और क्या क्या लिखा हुआ है यार, बहुत कुछ ऐसे लिखा हुआ है। देखो ऐसे मैं पहले व्लॉग बनाता था तो क्या नियम धर्म है वो सबको नहीं दिखाता था, लेकिन आजकल नियम धर्म सब दिखाने मन करता है। तो देख लो मेरा वीडियो का पीछे में दिख रहा होगा, पढ़ लेना समझ लेना। कभी आना तो आलतू फालतू का मत किया करना ऐसे जगह सब में आकर के, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पर नहा भी सकते हो अगर नहाना चाहो तो, लेकिन हम लोग नहाएंगे नहीं, देखते हैं नहाने का मन करेगा तो नहावो करेंगे, लेकिन सोचे तो नहीं है कि नहाएंगे बोल के, तो अलग बात है। लेकिन बहुत अच्छा नज़ारा है, देख सकते हो बहुत अच्छा, और देख कर तो हम खुश हो जा रहे हैं। और जैसे कि हम बोले आप लोगों को छोटा पुलिया दिखाएंगे बोल के, तो ये देख सकते हो इधर छोटा पुलिया है, यहाँ ये देखो छोटा पुलिया, और यहाँ हम लोग का तिरंगा का जो है पेंट मारा गया है, लाल सफ़ेद और हरा, कितना सुंदर दिख रहा है ये पुलिया। तो आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अच्छा से, तो ये देख सकते हो कितना मस्त पुलिया है, वाओ क्या गजब दिख रहा है। लेकिन यहाँ का टाइल्स सब थोड़ा फट फट सा गया है, और इस समय तो टाइल्स से नहीं है वो अलग बात है, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, देख सकते हो, वाह वाह वाह। और उधर एक छपरी है बैठने वाला क्या ही बोलेंगे, जहाँ जाओ जिधर जाओ उधर एक ना एक छपरी बना हुआ ही है, एक गो नहीं यहाँ पर एक गो है, ठीक है। हमको काहे बुला रहा है, इधर मेरा दोस्त है, क्यों बुला रहा है हमको। मुझे वीडियो बनाने का बहुत मन किया है, मैं तो वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को जो दिखाने का मन कर रहा है मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देख सकते हो करम कुंभा, मतलब ये करम का पेड़ है, जैसे कि आप लोग मेरा व्लॉग देखे हुए थे, करम जब हुआ था हम लोग गांव में, तो मैं करम पर्व का वीडियो बनाया था, डांस किया था, वो वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो यहीं करम पेड़ का डाल तक को काट के हम लोग पूजा करते हैं, जैसे कि आप लोग देखे थे। तो देख सकते हो यहाँ पर करम पेड़ भी है, यही है करम पेड़, ये एक गो है और इधर एक गो है और उधर भी है एक गो है, मतलब कि हमको तो दिख रहा है तीन गो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये एक हुआ ठीक है, और ये वाला दो हुआ ठीक है, और आवरे को पीछे में देख सकते हो, ओदे जो दिख रहा है ना वो भी करम का पेड़ है, तीन हुआ, हमको तीन को करम का पेड़ दिखाई दिया। और आप लोग अगर यहाँ पर आए हो तो कितना को पेड़ देखे हो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर मेरा से पहले भी तो कोई ना कोई यहाँ हिरनी वाटरफॉल आया होगा घूमने के लिए,
अच्छा ये मंदिर है कि चूल्हा बनाया है यार, समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार चूल्हा बनाया ना का, अच्छा ये चूल्हा है, चूल्हा यहाँ चूल्हा बनाया है यार, देख रहो यहाँ मतलब कि आ करके सब्जी खाना ही बना करके खाता है ना का, देख रहो यहाँ चूल्हा वूल्हा सब बनाया है, और मैं बिना लाइट जला करके वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को देखने में कैसे दिख रहा होगा। ऐसे तो मैं काला ही हूँ और काला ही दिख रहा होगा तो अलग बात है। और एक बात मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हो कचरा सब फेंकने के लिए भी यहाँ पर डब्बा बना दिया है, जैसे कि आप बिस्कुट खाते हो स्प्रेड पीते हो तो वो डब्बा प्लास्टिक सब यहाँ पर डाल देना, अच्छा रहेगा। क्या है कि सुविधा है तो सुविधा का आनंद लो और भरपूर फ़ायदा उठाओ। और एगो इधर छपरी ऐसे ही है, देख सकते हो इसको भी छपरी ही बोल सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हो छपरी। और ये छपरी में खपरा नहीं लगाया गया है, थोड़ा अलग टाइप का खपरा लगाया गया है, डिजाइनदार वाला। अब मैं तो खपरा का डिजाइनदार ही बोलूँगा, अपना लैंग्वेज है भाई। और यहाँ देख सकते हो बैठने का भी जगह है, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मस्त लेकिन बैठ जाना ऐसे करके और टाइम पास करना, और आज तो भीड़ नहीं है नहीं तो ऐसे बैठना और कोई कोई आदमी सब रहेगा तो बस मटर मुटर इधर उधर देखते रहना ना, तो हम तो यही करते हैं, लेकिन फिलहाल तो कोई है ही नहीं तो किसको देखेंगे। उधर देखेंगे तो मेरा दोस्त तो लोग दिख रहा है, और इधर देखेंगे तो कोई नहीं दिखेगा। और यहाँ पर देख सकते हो प्लास्टिक प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, यहाँ पर क्या लिखा हुआ प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र। अरे यार प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र का मतलब क्या है आप लोग जानते हो कमेंट करके बताइएगा। देखो आजकल मैं ज़्यादा ही बोलता हूँ ना कि कमेंट करके बताइएगा, काहे कि मैं नहीं जानता हूँ ना, तो वो चीज़ से मुझे आप लोगों को पूछने का मन करता है, क्योंकि मैं जो नहीं जानता हूँ हो सके आप लोग जानते होंगे तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा ना, तो इसीलिए हम ऐसे पूछते हैं। और इधर देख सकते हो बड़ा बड़ा काला काला पत्थर दिख रहा होगा, और एक आम का पेड़ है, और आप लोग देख सकते हो पेड़ सबको तो पहचानबे करना ठीक ना। और ज़्यादा कॉमेडी गिरी करते हुए एक मैं आप लोगों को मटका दिखाता हूँ, ये मेरा कॉमेडी करने का इसको कहते हैं मटका, शायद इसका अंदर में कुछ बनाया गया था, क्या कि प्याज का छिलका सब दिख रहा है यार, मतलब कि इसी मटका में कुछ बनाया था, जैसे कि आप लोग उधर उधर चूल्हा देख रहे हो ना, चूल्हा वही चूल्हा में कुछ बनाया था, अब क्या बनाया था मुझे नहीं पता। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग आ करके शायद यहाँ पर पार्टी वूटी भी कर सकते हो, पार्टी बोले तो सब्जी वब्जी बना करके खा सकते हो, या फिर कुछ मैगी वगी बनाने का शौक हो तो यहाँ पर लकड़ी वकड़ी लेकर खाना, या फिर यदि सब में तो झूठ झाड़ है बस जोर जोर आके कढ़ाई उढ़ाई लेकर आना बना उना का खा सकते हो, शायद मैं कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा हो सकता है ठीक है। तो आप लोगों को इधर का नज़ारा पूरा दिखा दिए, तो देखो आज पहली बार आए हैं कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग भी आइए कभी घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने से, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग आइएगा, आप लोगों को कैसा लगेगा वो तो आप लोग ही जानिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये भैया फ़ोटो खिंचाने जा रहे हैं, चलो फ़ोटो खिंचाने देते हैं, हम अपना वीडियो बनाते हैं। तो मैं उधर साइड का जो भी है मैं आप लोगों को दिखा दिया, और इधर साइड का जो भी है मैं आप लोगों को दिखा दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो उधर पूरा बहता हुआ पानी, मतलब कि ऊपर से गिरता हुआ पानी कितना सुंदर दिख रहा है, और लोग दूर दूर से इसी चीज़ को देखने के लिए आते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो इसी चीज़ को देखने के लिए आते हैं। और मैं भी मनोहरपुर से आया हूँ, मनोहरपुर मेरा गांव उरकिया से आया हूँ स्पेशल इसी चीज़ को देखने के लिए, समझ रहे हो। बहुत अच्छा लगा, और जैसे कि मैं बोला ये मेरा सपना था यहाँ आने का कि कभी ना कभी हिरनी वाटरफॉल जाएंगे बोल के, और फाइनली वो सपना मेरा पूरा हुआ। तो ऐसे ही जब सपना पूरा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि सोच रहता है ना कि कभी ना कभी जाएंगे बोल के, और अचानक वहाँ पहुँच जाने से तो अलग ही खुशी अलग ही मज़ा आता है यार, कुछ भी बोलो। तो ऐसे ही मैं भी पहुँच गया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा इधर उधर जा कर के वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। और जैसे कि मैं बताता हूँ नियम धर्म सब भी जानना जरूरी है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो कुछ लिखा हुआ है, इसका पालन करना जरूरी है। नदी में किसी भी प्रकार का जूठा पत्तल और मैं पढ़ के बताता हूँ ठीक है, जूठा पत्तल बोतल एवं किसी भी प्रकार के गंदगी को ना फेंकें, नियमों का पालन करें, धन्यवाद। दोस्तों मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार, ओहो सोच रहे हैं और कौन सा वाटरफॉल देखने के लिए जाएंगे, और जो मुझे चाहते हो जो मुझे जानते हो जो मुझे पहचानते हो जो मुझे मानते हो वो ही कमेंट करना कि मैं अगला वाटरफॉल कहाँ जाऊँ देखने के लिए, और वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाऊँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए। देखो हर चीज़ में कॉमेडी करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कॉमेडी करते हुए जगह सबको नहीं दिखा रहा हूँ, और बैकग्राउंड में आप लोगों को नेचुरल आवाज़ सुनाई दे रहा होगा बहता हुआ पानी का, और मैं जानबूझकर इधर आया हूँ, बहता हुआ पानी का आवाज़ सुनाई देगा और मेरा भी बात सुनाई देगा, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को बोल के ही ऐसे वीडियो बना रहे हैं।
और मुझे इस चीज़ में खुशी है, मुझे ये चीज़ का वीडियो बना के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि बहता हुआ पानी और यहाँ पर मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को ये वीडियो देखना अच्छा नहीं लग रहा तो अलग बात है, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और क्या ही दिखाएंगे आप लोगों को, हाँ देखते रहो और भी कुछ कुछ दिखाते रहेंगे। दोस्तों एक कुछ चीज़ दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हो गाइस, यहाँ ये वो कोकचे जगह है। एक बात बोलें, लड़का लड़की यहाँ पर मत आना, ठीक है, ये अच्छी जगह नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं दिखा दिया वो अलग बात है। ये तो गजब जगह है, लेकिन ना पूरा चिपका चिपकी वाला सिस्टम चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, पकड़े जाने पर जुर्माना हो सकता है, काहे कि ये भी नियम के खिलाफ है। यहाँ नियम है, नियम हर चीज़ का नियम है, उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है, और जो तो खा के जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है। और वहाँ पर जैसे कि देख सकते हो क्या लिखा हुआ था, पहले ही बता दिए पढ़ के, स्वच्छ भारत हिरनी जल प्रपात। देखो शाम हो गया है, इसे तो जाने का टाइम हो गया है, टाइम ऑफ हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वीडियो बना करके कंप्लीट नहीं किए हैं जैसे लग रहा है। तो बाहर का नज़ारा तो आप लोगों को दिखा दिए, या फिर पहले वाला व्लॉग में आप लोग देख चुके हैं कि कैसा जगह है बाहर तरफ उधर का, जैसे कि उधर पीछे तरफ का जिधर से हम लोग आए उधर का तो जगह आप लोग देख लिए क्या है कैसे नहीं, वो तो आप लोगों ने देख लिया। तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस टाइप का ही है, बस सिंपल सा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बस इसी झरना को देखने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से लोग, मैं भी आया हूँ देखने के लिए। और इस जगह का नाम है हिरनी वाटरफॉल, जैसे कि मैं बता दिया आप लोगों को, और आप लोग तो देख के जानबे कर रहे हो, जो आए हो इस जगह में वो तो जान ही रहे हो कि इस जगह का नाम है हिरनी वाटरफॉल। और मैं बार बार बोल रहा हूँ हिरनी वाटरफॉल, क्योंकि मैं सोचता था हिरनी वाटरफॉल जाऊँगा, और फाइनली आ गया तो बोलने मज़ा आ रहा है कि हिरनी वाटरफॉल में मैं हूँ बोल के। और उसी के साथ आज का व्लॉग यहीं जगह एंड कर देते हैं गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे, इसके बाद गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी में ही जाएंगे, और एक दोस्त है उसको उसका घर में छोड़ देंगे, और हम लोग दो जन निकलेंगे अपना घर की ओर। तो उसका क्या ही वीडियो बनाना, घर वापस जाएंगे उसका, मैं तो बोल ही दे रहा हूँ, अभी बस ये लास्ट वीडियो है, और इस वीडियो को यहीं जगह एंड करेंगे, और सब तरफ का वीडियो दिखा दिए। और जैसे कि मैं आप लोगों को बोला, झारखंड में ऐसे कौन सा वाटरफॉल है जो कि बहुत अच्छा है, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि डीके दिनेश कभी जाता वहाँ पर वीडियो बनाता और यूट्यूब अपलोड करता, हम लोग देखते हैं वैसे लग रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं जाने का कोशिश करूँगा, और जाने का कोशिश किया मैं जाबे करूँगा, आप लोग कमेंट तो कीजिए कहाँ जाना है कहाँ नहीं क्या। तो हम लोग और दूसरा कहाँ जाने का प्लानिंग किए हैं, दूसरा वाटरफॉल रामगढ़ का बता दो हुंडरू वाटरफॉल। हाँ। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 20 तारीख या उससे आगे भी हो सकता है, लेकिन ये वीडियो को हुंडरू वाटरफॉल के लिए आपका यादगार रहेगा, क्योंकि हम लोगों एक थोड़ी डीके यूट्यूबर के साथ हम लोगों ने सफर कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ओके डन। ये हुंडरू वाटरफॉल नहीं है, हुंडरू वाटरफॉल जाएंगे उस समय का बात है ना। हाँ। ये डैम नहीं यार, ये वाटरफॉल का नाम क्या है? ये वाला वाटरफॉल का नाम है हुंडरू वाटरफॉल, ठीक है। ये वाटरफॉल डिलीट नहीं मारेंगे भाई, ये हिरनी वाटरफॉल है, लेकिन गलती से हुंडरू वाटरफॉल बोल दिया था। सॉरी, आपका सीकेपी का आपका मोस्ट वाटरफॉल हिडन हिरनी वाटरफॉल। तो कृपया इस ब्लॉग को बने रहिएगा। अभी तो घर वापस जाएंगे ना, और तो कुछ वीडियो बनाना नहीं है, बस यहाँ आना था, हम लोग दिखा दिए दोस्तों को, लेकिन हुंडरू वाटरफॉल जाना पड़ेगा मेरी जान। जाएंगे रे भाई, जाएंगे, वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब में अपलोड करेंगे, इसी चैनल में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। माइंड हम लोग का सेटअप होता नहीं है भाई लोगों, तो हम लोग माइंड सेटअप नहीं करते, इसीलिए हम लोग सब माइंड थोड़ा गड़बड़ हो जाता है भाई, थोड़ा गलती हो गया तो थोड़ा सॉरी। हाँ, ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो माफ़ करना। हम लोग अलग 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 एरिया जाके हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, मज़ा आता है क्या, मज़ा फुल इन्जॉयमेंट, फुल इन्जॉय। तो ज़्यादा ना बोलते हो, आज का व्लॉग यहीं जगह एंड करते हैं, और लास्ट में भी देख सकते हो भाई साहब, लास्ट में भी अच्छा से दिखा देते हैं, सुनना एक बार, लास्ट में वर्ल्ड को पकड़ना, हम थोड़ा उधर जाएंगे तो कि जा ताकि आप लोगों इसको पहले देख लो, ये मेरा भैया है, ठीक है, ये प्रभात भैया है, तो इसको मोबाइल को ऐसे पकड़िए ना, हाँ ऐसे पकड़िए,
और ऐसे पकड़िए क्या, आप इसको मोबाइल को रुकिए, अच्छा से वीडियो बनाइएगा ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो, तो वीडियो एंड करेंगे बोल रहे हैं, होने से वीडियो बना ही रहे हैं, मज़ा ही आ रहा है वीडियो बनाने। तो रुको रुको रुको, एक मिनट यार, हाँ यही जगह रुक जाइए आप, रुको आप वही जगह रुकिए। तो देखिए यही है हिरनी वाटरफॉल, और वीडियो नहीं बनाएंगे यहाँ का, जितना हो सका मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया, और आप लोगों ने देखा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और ऐसा वीडियो देखना है आप लोगों को तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे वीडियो बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेली डेली वाटरफॉल जाऊँगा, ऐसा बात नहीं है। मैं नॉर्मल फैमिली व्लॉग भी बनाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ का वीडियो बनाता हूँ, शादी उदी भी घूमता हूँ, या फिर मैं अपना जो मन सब वीडियो बनाता हूँ, अलग बात है। लेकिन ऐसे भी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आज का व्लॉग यहीं काम करते हैं, बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं इसीलिए चुप रहते हैं, और ये वीडियो कहीं जगह एंड करते हैं। बाय बाय, हो गया ना बंद। अच्छा दोस्तों, लास्ट में ये वीडियो ठोको देख लो, थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हमको नहीं पता था, ये भैया लोग बताएगा, यहाँ हम लोग आए ठीक है, जैसे घुसे पहले तो वहाँ पर मतलब कि वो रसीद काटने का एक रहता है भैया, वो क्या क्या किया मतलब कि गाड़ी रखने का कितना, गाड़ी नंबर लिया, कितना मेंबर है वही सब, तीन जन लिया हम लोग, तीन जन थे, तीन जन वहाँ पर लिखना पड़ा, हम लोग तीन जन है बोल के, और क्या बोला, गाड़ी का नंबर लिया, हाँ गाड़ी का नंबर भी लिखा वहाँ पर, और फोन नंबर भी लिया, क्या फोन नंबर भी, हाँ फोन नंबर भी लिया, और इसका नाम भी, और हम लोग कहाँ से आए हैं वो भी लिखने के लिए बोला गया। तो ये सब लिखने के लिए बोलेगा तो आप बेहचक लिख देना, ये सब नियम है। तो और यहाँ देख सकते हो मोटरसाइकिल पार्किंग, यहाँ पर अपना गाड़ी रख भी सकते हो, और चार चक्का में आते हो तो चार चक्का भी इधर रख सकते हो, अभी तो फिलहाल चार चक्का सब नहीं है, तो ये बात नहीं बताए थे, तो ठीक है बस इतना ही बताना था। अच्छा ठीक है, मैं मनारपुर फोन कर बो मैं, हाँ अगर बकरा लेट अगर हो जी बोले मैं प्रधान पाली घुसबो, नहीं तो मैं एक बार बंडो मुंडा मैं जाबो मैं, हाँ अगर बकरा लेट अगर हो गया तो।